Hello guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Muhammad Naseem. Guys, आज हम सीखेंगे ये डिजाइन जो आपको आपको मोबाइल के ऊपर शो कर रहा है, ये डिजाइन हम कैसे बनाएंगे, कैसे सीलिंग पे बनाएंगे पीओपी. ओके गाइज, चलो चलते हैं वीडियो पे. तो गाइज, हम आ गए इस पेज पे जो आप देख सकते हैं. यहाँ पर एक पिक्चर नज़र आ रही होगी आपकी. यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये रनर लगा हुआ है हमारा, ये रनर लगा हुआ है एंड ये ऊपर भी रनर लगा हुआ है हमारा एंड यहाँ पर जाबिया लगी हुई है, जो एल जाबिया रहती है वो लगी हुई है एंड ये हमारा रनर लगा हुआ है एंड छत के ऊपर से सपोर्ट लगे हुए हैं. हम सपोर्ट लगे हुए इसको जस्ट नाप के हम काट के इसके नीचे रनर एक लगा देंगे, क्योंकि हमें इस यहाँ पर एंड यहाँ पर ऐसे पैकिंग करना है. ठीक है, फिर हम यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर 12 सेंटी का स्पेस नज़र आ रहा होगा इस बोर्ड से डाउन 12 सेंटी, बाद में ऐसे पैक होगा. ओके गाइस, तो हम इसको पैक कर देंगे कुछ इस प्रकार, इस प्रकार यहाँ पर जैसे पैक है ये पैक करेंगे, उसके बाद में ये पैक करेंगे, बाद में ये पैक करेंगे. ओके गाइस, फिर आप देख सकते हैं यहाँ पर एक मेरा बोर्ड है, मेरा पैक हो गया, एक बोर्ड हमारा लग चुका है. अरे, आपको जो तार नज़र आ रहा है, क्योंकि एक सीलिंग पीओपी है, तो हम इस तार को जहाँ पर आपका लाइट वाला जहाँ पर आपको चाहिए वहाँ पर हम डाल देंगे इस वायर को. फिर हम आगे इस बोर्ड को नापेंगे कितना आता है कितना नहीं आता है, फिर उसी हिसाब से हम काटेंगे और इसको पैक कर देंगे इस प्रकार. इस प्रकार पैक करने के बाद में आपसे बताया था यहाँ पर वाटकल लग गया, ये वाटकल लग गया एंड इधर वाटकल, चारों तरफ वाटकल लग के हमारा ये ऊपर का पैक हो गया. बस हमारा बाकी है ये भी हम पैक करेंगे इस प्रकार पैक कर देंगे. पैक करने के बाद आपका ये वायर देख सकते हैं, आपको मैं दिखाया था एक वायर, तो हम एक कॉर्नर पर डाल देंगे क्योंकि इसके अंदर हमारी लाइट लगेगी, हम इस कॉर्नर पर डाल देंगे इस वायर को. ओके गाइस, कुछ ऐसे पैक कर देंगे, फिर हम इसको पैक कर देंगे जो आपका होल दिख रहा था. फिर हम पूरा पैक करने के बाद में हमारा कुछ इस प्रकार नज़र आएगा, जो आप देख सकते हैं यहाँ पर पूरा हमारा पैक हो चुका है. ओके गाइस, फिर पैक होने के बाद में हम बोर्ड को जैसे यहाँ से एंड यहाँ पर कितना स्पेस आता है, यानी हमें रखना ये हमारा बोर्ड है 40 सेंटी, तो हमें यहाँ से जस्ट 39 सेंटी का एक मार्किंग करना है एंड चारों तरफ 39 सेंटी का मार्क करके हमें जस्ट नाइफ से काट देना है इसको, ताकि हमारा सीधा नज़र आए, क्योंकि बोर्ड लगाने पर हम दीवार से सटाते हैं तो हमारा तिरछा बोका नज़र हो जाता है, इसीलिए हम एक सेंटी माइनस करके उसको काट देते हैं एकदम सीधे तरीके से. उसके बाद में गाइस हम रंदा मार देंगे उसके ऊपर. रंदा मारने के बाद में हम ये जाबिया आपको दिख रहा है, ये जाबिया हम लगा देंगे जस्ट बोर्ड के ऊपर इस प्रकार से. हम इस प्रकार से जस्ट आगे जो मैं बताया था यहाँ से जो पैक हो गया था यहाँ पर, हम इस प्रकार से बोर्ड लगा देंगे, जाबिया लगा देंगे. फिर उसके ऊपर से हम ये वाटकल लगाएंगे, जो हमारा 6 सेंटी का वाटकल इसके ऊपर से लगा देंगे, ताकि इसके अंदर से हम जो लाइट डालेंगे किनारा लाइट वो हमारी नज़र नहीं आएगी एंड लाइट यहाँ पर जलेगी बट नज़र नहीं आएगी. ओके गाइस, फिर हम इसको पैक कर देंगे, 6 इंच का जो वाटकल है हम लगा देंगे कुछ इस प्रकार. फिर हमारा पैक होने के बाद में कुछ इस प्रकार नज़र आएगा, देख सकते हैं आप, देख सकते हैं हमारा चारों तरफ पैक हो गया है एंड उसके बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक मार्किंग करेंगे, जस्ट हमें उस लुक जैसे बनाना है ना हमें, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर मार्किंग करना है कुछ इस प्रकार, ऐसे मार्किंग करना है जितने सेंटी से आपको यहाँ से जितने सेंटी से चाहिए आपको मार्किंग करके वहाँ पर मार करके हम ऊपर से लाइन डोरी मार के उसके ऊपर से हम जाबिया लगा देंगे ऐसे, नहीं मार करेंगे उसके ऊपर से ऐसे जाबिया लगा के उसके ऊपर से वाटकल लटकाएंगे कुछ ऐसे. जैसे आपको मैं बताया था यहाँ पर इसे मार कर दिया, उसके बाद में हम चारों तरफ मार करके उसके बाद में हम जाबिया लगा देंगे ऊपर की तरफ. जाबिया लगाने के बाद में हम वाटकल
के ऊपर टाइट कर दें। वाटकल टाइट करने के बाद में कुछ आपका ऐसा नजर आएगा, फिर वाटकल लिया हमने ऊपर जाविया से टाइट कर दिया, यहाँ पर ये आपका देख लीजिए जाविया लगा हुआ, क्योंकि इस वाटकल में हमें नीचे से एक और बोर्ड लगाना है। ओके गाइस, इसलिए हम वाटकल लगा के इसके नीचे जाविया लगाएँ। ओके, फिर हम चले कुछ ऐसे पाइप होने के बाद कुछ ऐसा नज़र आएगा, फिर हम इसके ऊपर बोर्ड लगा देंगे अभी। ओके गाइस, नो बोर्ड लगाने से पहले हम इसके ऊपर से मारेंगे पीओपी, क्योंकि जो आपका पेंटर होता है वो इसके अंदर ऐसे सेम कपड़ा नहीं मार पाएगा। हमारा इस वाटकल को लगाने के बाद में हमारा वो पेंटर उसके अंदर हाथ नहीं जाएगा उसका, इसलिए हम ये आपका जो पीओपी है पहले ही मार देते हैं ताकि कोई बाद में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, इस साइड एंड इस साइड दोनों साइड मार देंगे, फिर हम मार करके इधर से हाथ मार दिया हमने, उसके बाद में ये बोर्ड लगा दिया है। ये आपका 40 सेंटी का बोर्ड है, क्योंकि यहाँ पर 40 सेंटी का बोर्ड लगा हुआ था तो हम ये भी 40 सेंटी का लगा देंगे, क्योंकि आप जैसे यहाँ पर बड़ा रखना चाहते हैं यहाँ पर बड़ा रख दें, यहाँ पर छोटा रखना चाहते हैं यहाँ पर छोटा रख दें, यानी 30 सेंटी का रखना चाहते हैं तो रख सकते हैं, नो प्रॉब्लम। आपका कस्टमर जैसा चाहे वैसे आप कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। फिर हम इसके ऊपर बोर्ड को लगा देंगे, कुछ इस प्रकार हमारा पूरा बोर्ड लग जाएगा। गाइस सेम वैसे ही जैसे यहाँ पर मैंने 1 सेंटी घटाया था, यहाँ से नापा यहाँ तक, तो हम इसको नाप के सीधा एक लैंडोर मारेंगे जो हमारा एकदम परफेक्टली सीधा नज़र आना चाहिए। उसके बाद में हम सिक्किन से उसको काट के रंदा मार के हम इस प्रकार लगा देंगे वाटकल। ओके गाइस, जैसे इसमें लगाया था वाटकल सेम वैसे ही इसमें लगा देंगे वाटकल। ओके गाइस, फिर हम इसको वाटकल लगाने के बाद में हम ये जाली टेप उसके ऊपर से मार देंगे, हमारा जो क्रिक नहीं होता है, अगर जाली टेप लगा देंगे तो हमारा क्रिक नहीं होता है। ओके गाइस, जाली टेप कुछ इस प्रकार लगा देंगे एंड उसके ऊपर से हम पीओपी लगा देंगे। पीओपी मारने के बाद में तो कुछ हमारा इस प्रकार नज़र आएगा पीओपी लगाने के बाद में, क्योंकि हमारा चारों तरफ से जो हमारा होल था, जॉइंट था, वो सब हमने बंद कर दिया है, तो हमारा कुछ इस प्रकार से इंटरफेस नज़र आ रहा है। तो जिस हिसाब से हम ड्राइंग बना रहे थे, इसका आपका यहाँ पर लाइट आ जाएगा, इसके यहाँ पर लाइट आ जाएगा एंड यहाँ पर लाइट आ जाएगा, यहाँ पर लाइट आ जाएगा, कुछ इस प्रकार हमारा सेम यही डिज़ाइन मिल जाएगा। ओके गाइस, ये सी यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर। ओके गाइस, आई होप गाइस वीडियो पसंद आई होगी, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और आगे इस डिज़ाइन का अगर आपको सीखना है तो सब्सक्राइब करें। ओके गाइस, हम अगली वीडियो में आते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।